बद्दी में लेबर चौक के पास गैस सिलेंडर की पाइप में लीकेज होने के कारण आग लगी। लगी आग से एक प्रवासी कामगार की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य घायल हो गए। घायलों को सीएससी बद्दी से प्राथमिक उपचार के बाद चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक करीब 9 बजे बद्दी साई रोड पर लेबर चौक के पास किराए के कमरे में रह रहा प्रवासी मजदूर का परिवार सिलेंडर की पाइप से गैस लीकेज के बाद लगी आग की चपेट में आ गया, जिससे प्रवासी मजदूर प्रकाश चंद के बेटे रवि की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि प्रकाश चंद, शिव कुमारी, रवि, रघुवीर, गुड़िया व रवीना गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सीएससी बद्दी से प्राथमिक उपचार के बाद चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। डीएसपी बद्दी खजान राम ने बताया कि सिलेंडर की पाइप से गैस लीक होने के बाद लगी आग से एक की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य झुलस गए। हमारे को 8:35 जब सूचना आई और बताया कि सिलेंडर फट गया, जल्दी गाड़ी गई थी। और कितने लोग थे वहाँ पे और कितने उसमें घायल हुए हैं, क्या हुआ? जब हम वहाँ पर पहुंचे तो पब्लिक इकट्ठी हो गई थी। हमने खींच खाच के जो अंदर जाकर जो है 7 कैजुअलिटी को उनको बाहर निकाला और एम्बुलेंस में हॉस्पिटल उपचार के लिए हॉस्पिटल भेज दिया। 7 आदमी, वैसे तो हम लोग 10 आदमी थे, तो 2 आदमी तो निकल गया फोन से बात करने के लिए, हम निकल गए पेशाब करने के लिए। जब तक मैं अंदर काम नहीं, ऐसे कैसे होंगे? क्या सिलेंडर फटा? सिलेंडर फटा, उतना आवाज़ भी नहीं आया। एक बैग आग लगा है, आग मालूम नहीं कैसे हुआ, ये सब मेरे को कुछ समझ में नहीं। इतना आग हो गया ना रूम के अंदर जो हम लोग घुस नहीं पाए बाहर से कोई भी। ये लड़का मरा है वो आपका भाई है? बड़ा वाला। बड़ा भाई आपका? ये कहाँ काम करता था? करता था सेप्रॉन में, तो ये घर चल गया था। मालिक से कुछ लफड़ा हो गया था पैसों वैसे के बारे में, तो घर चल गए थे। उसके बाद ये आए थे, आज ही आए थे, आज उतरे थे यहाँ, रूम में थे सब लोग। पुलिस थाना बद्दी व दमकल केंद्र बद्दी ने हादसे की सूचना मिलते ही घटनास्थल का रुख किया और आग पर काबू पाते हुए घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। के चैनल के लिए बद्दी से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट।